अस्सलाम वालेकुम अशर भाई, किधर हो? ओके ओके, रीच क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर यू। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? ठीक ठाक, तू सुना? जस्ट एंजॉयिंग द लाइफ ब्रो। बैठ जा अब। और सुना जिगर, क्या चल रहा है? बस यार, गुजर ही रही है। क्या बताऊँ तुझे, है मतलब यूनिवर्सिटी। हाँ, वलीद का बता, वलीद किधर है? उसे कॉल किया, आ रहा है। बस आ रहा है, चलो वो आता है तो फिर सही करेगा। गपशप करते हैं बंदा। चल यार चल, उस पार चल, गपशप खुली हो जाएगी। ओ वालेकुम सलाम यार, बड़े दिन बाद। बस यार, आपका इंतजार करते हमने कहा वलीद भाई नहीं है। बड़ी ग्रूमिंग होगी यार आपकी। ग्रूमिंग तमाम था, लेकिन यू ने टेक्स्ट ना किया तो ग्रूमिंग ना, ऐसे कैसी बात है। हां बैठे ठाक, लग बैठो बैठो भाई, क्या बैठो बैठो बैठो, तशरीफ रखो। हां बैठे हैं, नाश्ते हैं, बैठे हैं। यार आजकल तुम लोग बिल्कुल बिजी हो गए, नस्ट और प्यास में चले गए, बिल्कुल नो रिप्लाइज नो सीन। क्या हमारी कितनी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, अब नस्ट प्यास में नहीं चले गए बिल्कुल ही। यार मुश्किल हुई पड़ी है, कुछ समझ नहीं आता बिल्कुल ना, खराब चल रही है। क्या मतलब, क्यों मतलब, क्या लेक्चर समझ नहीं आ रहा जी? अगर हमारा खुद यही सीन है यार, उस्ताद आते नहीं है ना, कुछ पढ़ाते हैं और हम भैंस क्या को बता देते हैं टॉपिक्स, अगले दिन ले लेते हैं कोई, कहते हैं जहाँ मर्जी से देखो, हमें तो यूट्यूब से मिलते नहीं है लेक्चर। हाँ बस ढूंढने पड़ते हैं कहीं ना कहीं से, किसी दोस्त से समझना पड़ता है। सही से नहीं तो सही से लालत है तुम दोनों लालत है। यूनिवर्सिटी वाला सीन ही नहीं है, वही बच्चों वाले काम है, वही जो छोटे होते थे स्कूल जाते होते थे कॉलेज। फिर तो हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट ऐसे टाइम पर, मैं समझता था वैसे टॉप रैंकिंग पे आ गई, मगर हैवी यूनिवर्सिटी अच्छी है यार। देखो हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना, मतलब बहुत VIP, मतलब वहाँ क्लासेस में जाओ वहाँ पे, एक तो बोलते हैं वहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है पक्की। नहीं नहीं हाँ, उसके बाद मतलब आप पढ़ते हो, मतलब आपको मजा आता है पढ़ने में, मजा आता है ऐसे पढ़ाते हैं। क्लासेस मतलब मिस करने का दिल ही नहीं करता बंदे का, बंदा कहता है यार हर क्लास ले अटेंड करे, और समझाते हैं ऐसा। यूट्यूब तो क्या मतलब, बंदे को आगे पीछे देखना ही पड़ता। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है यार, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी है, बड़ी हैवी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मतलब मैं सुना लास्ट और करके यू की टेस्ला तो करी, हम क्यों नहीं गए यार यहां पे, बड़ी समस्या यूनिवर्सिटी है यार। देखो भाई हर किसी का मेरिट नहीं मिलता ना, किसी का मेरिट नहीं मिला। मैं अप्लाई किया हुआ था। अच्छा अच्छा, मेरिट में नाम ही नहीं आया। अच्छा, वो बस वही मतलब किस्मत की बात है, बंदा जहाँ पे भी हो जाए वो तो, अब ये तो अपनी किस्मत में जो लिखा। खैर लास्ट और प्यास भी इतनी नहीं है, गुजारा चल जाता है वहाँ पे, इतना मसला नहीं। बाकी छोड़, ये बता हॉस्टल कैसे है वहाँ के? हॉस्टल यार VIP हॉस्टल, बिल्कुल मतलब 5-star हॉस्टल, ऐसे हैवी हॉस्टल ना कर यार। हाँ। हमें तूने जमीन भी लुटाया हुआ है। नहीं नहीं, चटाइयां डाल दी हैं उन्होंने। नस्ट में भी यही सीन है, हमारा खुद यही सीन है जिगर। अभी तो नस्ट आया नहीं है ना, इसी वजह से तो पता नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारे तो देख ले। अच्छा, वहाँ की जो जो उन्होंने हमें चीजें दी हुई है, मतलब कमरा देख ले। अच्छा, नीचे हम जमीनों में पड़े हैं, इसे चटाई दिया ना, हमें चटाई भी नहीं दी। अच्छा अच्छा, हम जमीनों में पड़े होते हैं, सोने का दिल नहीं करता। तुम लोग छह बंदे तो नहीं है कमरे में? 8-8 है जिगर। आठ आठ हाँ ना, हमारे में 12 हैं। जुल्म है तुम लोगों पे यार, हमारा हाँ। तो फिर VIP सीन है, एक बंदे के लिए एक कमरा, 7 उसके कहने में बाथरूम और फुल VIP गर्म पानी सर्दियों में, ठीक है? एक कमरा एक बंदे के लिए, ऊपर हमें रजाई भी देते हैं ऊपर से। नहीं नहीं, AC लगा हुआ है ऊपर, मतलब वो गर्म हवा भी देता है, मतलब दोनों काम, 7 वॉशरूम बिल्कुल क्लीन एंड क्लीन, और ऐसा मतलब VIP माहौल। बंदा कहता है यार क्या बात है, बिल्कुल 5-star हॉस्टल में रहना, ऐसा ऐसा है। लेकिन हॉस्टल VIP बाकी तो ठीक है। ये बताओ तुम्हारे यहाँ साइटिस का क्या सीन है, मतलब साइटिस वगैरह एक्टिव है कि नहीं? क्या मतलब सोसाइटीज यार, स्टडी जो कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड होती है, मतलब जो अक्सर यूनिवर्सिटीज में होती है अपना रोल प्ले, यहां क्लास में नहीं होती। सोसाइटीज नहीं है वहां पे? और नेक्स्ट में झूठी तारीफें कर करके थक गया हूँ, चल निकाल पैसे। झूठ बोला था ना हमने, कैमरा तो बंद होने दे यार। छोड़ कैमरे को, तूने इतना कहा था भाई पैसे निकाल, हम लोग जाते हैं। एक मिनट यार बात सुन, पैसे निकाल, ये एक मिनट यार, एक मिनट यार बात सुन, एक मिनट वो देख यार, वो देखो ना,
मैटर करता है तो आपकी स्किल, टैलेंट और कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप प्रॉस्पर होंगे ही होंगे। दुनिया के इस संसार में हर बार में पढ़ के हो गया था थोड़ा लाचार, में ना कर पा रहा था जिससे करता प्यार, में तैयार न था कोई करने को रोजगार, में उन रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ आभार, में जिन्होंने